Hi everybody, I am Chinna Prasad Rana, occupational therapist working in Rapid CDC. Today, इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि occupational therapy क्या होता है और किस लिहाज से हम लोगों के इसमें मदद कर सकते हैं। occupational therapy एक टर्म ही बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, तो लोगों को शायद समझने में दिक्कत होता है कि वो है क्या एक्चुअली। जैसे कि हम बातें करेंगे स्पीच थेरेपी या फिजियोथेरेपी, तो लोगों आसानी से समझ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन गोल ये होता है कि एक बंदे को किस लिहाज से अपने डे टू डे डेली एक्टिविटी में पूरी तरफ से इंडिपेंडेंट कर सके, यही हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पहले गोल होता है। और हम उसको अचीव करते हैं जैसे छोटे उम्र के बच्चों में डेवलपमेंट दिखा के, एडल्ट बच्चों में उनके कैसे मैनेजमेंट करके, और जो एल्डरली लोग होते हैं उनको कैसे हम कस्टडी कंस्ट्रक्ट रूप में उसे हम दिखा सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन गोल यही होता है कि हम डे टू डे डेली एक्टिविटी में हर उम्र के हर लोगों के कैसे हम उसको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर सकें कि अपना काम वो खुद कर सकें और किसी भी बिना मदद के। तो आज के वीडियो में हम स्पेशली बातें करेंगे कि बच्चों के हिसाब से ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनका कितना अच्छा से मदद कर सकता है। तो बच्चों में बहुत सारे इशूज बचपन में पाए जाते हैं, जैसे एक हो गया डेवलपमेंटल डिले, या फिर उनका कुछ सेंसोरी वाला प्रॉब्लम हो, या फिर कोई उसको बाई बर्थ कोई डिजीज़ हो जिसके हिसाब से उनका मोटर लर्निंग प्रोग्राम भी डिले हो जाता है और सेंसरी लर्निंग प्रोग्राम भी उनको डिले हो जाता है। तो हम उसको इतना तरह से उसके सक्षम कर सकें कि अपने डे टू डे डेली एक्टिविटी में वो पूरी तरह से अपने आप को खुद ही अपने काम सब कर सकते हैं। तो जब जो बच्चे को सेंसरी में कुछ दिक्कत होता है, जैसे उनको ब्रशिंग में दिक्कत हो गया, या फिर उनको कपड़े पहनने में दिक्कत हो गया, या फिर उनको कोई भी डेली एक्टिविटी में उनको एक प्रॉपर अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करके अपने हिसाब से कैसे उनको एक्टिविटी को मैनेज करें उसमें दिक्कत हो गया, तो हम उस लिहाज से उनको ओटी के थ्रू से डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच के हिसाब से उनका हम मदद कर सकते हैं। और जो मसल में प्रॉब्लम है उसको हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, और जो मसल इंपॉर्मेंट है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन जिसका डिले है उसको हम किस तरह से उनको अच्छी तरह से मैनेज करके उसका मसल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कितना अच्छे से मोटर कंट्रोल उनका बढ़ा सकते हैं, इस लिहाज से हम ओटी का उन पर मदद कर सकते हैं। जिस बच्चे को सेंसरी में प्रॉब्लम होता है, सेंसरी एरिया में उनका प्रॉब्लम होता है, उनके हिसाब से हम उसको कैसे मैनेज कर सकें उनको हम टीचिंग देते हैं। जैसे हो गया उनको ब्रशिंग में दिक्कत हो गया, तो हम उसको डिफरेंट वे से उनको ब्रशिंग करवाते हैं। उनका कपड़े पहनने में दिक्कत हो गया, हम डिफरेंट वे से उनका कपड़े पहनाते हैं। उनको खाने में या च्यूइंग में कुछ दिक्कत हो गया, तो भी हम उसको च्यूइंग और खाने में उनका मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उनको इतना अच्छे से उनको मैनेज करने, खुद को कैसे मैनेज करना है, खुद को कैसे कंप्रोमाइज एनवायरनमेंट के हिसाब से मैनेज करके आगे बढ़ना है, ये हम बेसिकली ओटी में उनको सिखाते हैं। जो भी मोटर लर्निंग प्रोग्राम है, या फिर जो भी उनको बाय बर्थ कुछ डिजीज है, बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है, जो भी उनका है सेंसरी वाला प्रॉब्लम है, उसको हम कम्प्लीटली एक प्रॉपर वे में उसको मैनेज करके कैसे हम उसको डे टू डे डेली एक्टिविटी में उसे हेल्पफुल कर सकते हैं और कितना इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ये हमारा ओटी का बेसिक होता है।